एम्पिरिकल ट्रीटमेंट देते हुए ना हमें कुछ क्या उसका नाम है पैरामीटर्स चाहिए होते हैं जिनके हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि एंटीबायोटिक्स देते हुए कौन सी चॉइस करनी है एंटीबायोटिक्स की, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कौन सा देना है, उसकी डोजेस कितनी देनी है, ड्यूरेशन कितना देना है। अगर एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर चिल्ड्रन है या किसी को उस एंटीबायोटिक से एलर्जी वगैरह है कि नहीं है, तो उसके अंदर कोई रेजिस्टेंस वगैरह हो कि ना हो। अब इसमें बेसिकली जो हम एम्पिरिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें दो ही हैं बेसिकली, एक एमोक्सिलिन है, एमोक्सिलिन बेसिकली एमोक्सिलिन और क्लेवोनेट, ये हम देते हैं कॉम्बिनेशन थेरेपी के थ्रू, ताकि जो बैक्टीरियल इसमें जो हुआ है निमोनिया में हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुई है इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम को वो कवर अप कर सकें, और जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और जो कि हमें ब्लड एगर में मिलता है, और जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है जो कि चॉकलेट एगर मिलता है, तो ये इनको ना सारा कवर अप कर देता है ये जो, इसलिए हम इसको कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं। और नेक्स्ट है इसमें सेफ्ट्रियाजोन, ये थर्ड जनरेशन है सेफेलोपोक्सिन की जो सेफेलोस्पोरिन की, जो कि कॉमन पैथोजन होते हैं ना जो निमोनिया कॉज करवा रहे हैं, तो ये उसको पूरा कवर करता है, उसके वो ब्लॉक कर देता है। ठीक हो गया, बस यही है सर। इन दिस केस जो हमारा मेन फोकस है वो है बैक्टीरियल, हमने जिसके ऊपर मेन फोकस करना है वो बैक्टीरियल निमोनिया के अंदर के ऊपर करना है, लेकिन ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे केसेस होते हैं जिससे हमारे पास सिमिलर साइन इंसेप्ट हमारे पास शो करते हैं, वो हमारे पास कौन कौन से केसेज हैं वो आ जाते हैं उसके अंदर वायरल निमोनिया, क्योंकि जो वायरल निमोनिया हमारे पास बेसिकली वायरस से पॉसिबल है जिसमें स्पेसिफिक हमारे पास आ जाता है रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस और एडीनो वायरस, ये हमारे पास सेम सेप्टम का खास करते हैं, फीवर स्लीप के अंदर हो सकता है कफ एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। लेकिन जो इसके अंदर हमारे पास मेन है ना, जब भी हमारे पास वायरल निमोनिया होता है तो उसके अंदर पेशेंट के हमारे पास राइनोरिया एंड कंजंक्टिवाइटिस हमारे पास होता है, और जो दूसरी हमारे पास कंडीशन है जो इसके साथ सिमिलर डायग्नोस कर सकते हैं वो है ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस में भी हमारे पास सेम ही क्या नाम है, ये भी हमारे पास रेस्पिरेटरी सेंसिटिव वायरस से ही कॉज करता है, और इसके अंदर भी हमारे पास वही साइन एंड सिम्पटम है, कॉफ है, नेजल साउंड है, और हमारे पास रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। लेकिन इसके अंदर ये होता है कि ये हमारे पास जो निमोनियम के अंदर जिससे हमारे पास कंसल्टेशन होती हैं इसके अंदर वो कंसल्टेशन नहीं होती, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसके अंदर हमारे पास इसीलिए हम कंसल्टेशन इसके लिए बोल रहे हैं। सबसे ब्रोंकाइटिस आपका आ गया, सीओपीडी आ गया, एस्थमा आ गया, आप पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखो सीओपीडी की प्रेजेंटेशन जो होती है और उसकी अपेरेंटली पेशेंट की किसी तरह की होती है, एस्थमा का जो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है हिस्ट्री इसको कर लेते हो, थोड़ा सा ये है कि पेशेंट जो होते हैं बहुत सब उसमें डिस्निया सीवियर किस्म का होता है, स्टेटस एस्थमेटिक इसमें आता है, ब्रीथिंग साउंड दोनों में आती है जी, ब्रीथिंग साउंड दोनों में आती है, प्लीज टू क्रैब्स बीस तीन बार ब्रोंकाइटिस में जो हर जगह की दस में भी जो ही आप ऑस्कुलेट करोगे चेस्ट में तो आपको क्रैब जो ब्रोंकाई क्रैब्स ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन चूँकि एक्सरे बेसिकली निमोनिया को आप डिफरेंशिएट करने के लिए जो टाइम लगता है कंसल्टेशन करने में सारा पैच करने में वो उस पर आपको प्रॉपर जो है डायग्नोसिस उसी पर जाके होती है आपके एक्सरे ऊपर लैब इन्वेस्टिगेशन पर लेटेस्ट आपको आ गई है। सर कोविड में आपको पता है कोविड में लास्ट जो ईयर था उसमें फर्स्ट साइन यही पेशेंट में देखते थे, उनमें चेस्ट के जो निमोनिया अक्सर पेशेंट को डेवलप हो जाता था और उनको ज़्यादातर प्रॉब्लम सांस का मसला होता था, तो ये देखते लंग्स कितने इफेक्ट हुए उसी वेराइटी रियली कॉज ऑफ डेथ भी यही था, ये उसकी वजह से जो पेशेंट्स की डेथ की ज़्यादा डेथ्स की, इसलिए वो फिर फौरन आपको आइडिया नहीं होता फर्दर आप इन्वेस्टिगेट करते हैं बनने में थोड़ा टाइम लगता है, कितना पैच और वो सारा कंसल्टेशन डेवलप होने में और एरिया डेवलप होने और कुछ। आगे हमारे पास सिमिलर डिजीज आ जाती है वो है अस्थमा एक्सर्वेशन, उसके अंदर भी मतलब एस्थमा में भी हमारे पास सेम टाइप्स ऑफ गया हमारे पास फटीक होता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, लेकिन एस्थमा की एक बात है कि एस्थमा के अंदर ये हमारे पास ये रिकरेंट सेप्टम है और इसमें नमूने में नहीं है, और जब भी हम एस्थमा वाले पेशेंट को जब ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं वो रिलीव नहीं करता है। अगेन हमारे पास कोई फॉरवर्ड बॉडी एस्पिरेशंस आ जाती हैं,
फॉरन बॉडीज भी सारी बात जब वो जाएगा सेम सिम्टम्स होंगी, लेकिन इसके अंदर ये है कि जो पेशेंट की हिस्ट्री होती है, जो गाड़ी की हिस्ट्री होगी, वो हमारे पास उसमें चॉकिंग और एक्सपोजर टू स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आ जाती है। हमारे पास काफ़ी और एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन उसके अंदर हमें फिर यही डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ पीडियाट्रिक निमोनिया करना पड़ता है, और थ्रू इवैल्यूएशन हमारे पास सारे उसके अंदर हमें कोई भी करना हो तो चेक्स एक्सरे भी हमारे पास एसेंशियल लेबोरेटरी जो स्टडीज है वो हमें नेक्स्ट ब्लड एंड चॉकलेट एगर फिजर एंड मार्स उधर रात सर ये स्क्वेड है जिसमें जिसको हम यूज़ करते हैं फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट बैक्टीरिया। सर अब इसमें हम हमें अगर डिफरेंट है कि स्ट्रेप्टोकोकस नमूने है, उससे पहले क्लेस्ट्रोकास स्ट्रेप्टोकोकस और स्टेपाइलोकोकस को डिफरेंशिएट करने के लिए वो है कैटेलेस टेस्ट। अब जो कैटेलेस टेस्ट पॉजिटिव देगा वो स्टेपाइलोकोकस होगा और जो नेगेटिव देगा वो स्ट्रेप्टोकोकस होगा। अब हमें अगर पता है कि ये मतलब उसने ये नेगेटिव दिया होगा तो हमें पता चल गया कि ये स्ट्रेप्टोकोकस है। अब उसमें फिर डिफरेंट टाइप का एक बीटा हेमोलिटिक होते हैं और एक अल्फा हेमोलिटिक होते हैं। अब हमें पता है कि स्ट्रेप्टोकोकस नंबर जो अल्फा हेमोलिटिक है तो जब हम ये ब्लड एगार एक मीडियम है, ब्लड रिच मीडियम है, जब हम इसको मतलब यहाँ पे लाएंगे बैक्टीरिया को वो हेमोलिसिस कराएगा इस मीडियम में। अगर ये जरा हेमोलिसिस कराए तो फिर बीटा हेमोलिटिक होगा और अगर ये थोड़ा मतलब थोड़े थोड़े हेमोलिसिस करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि अल्फा हेमोलिटिक है। तो इस वजह से हम पता चलेगा कि सर ये अल्फा हेमोलिटिक है। लास्ट अलोन सर मतलब टाइप्स ऑफ कफ एंड डिफरेंट टाइप्स चॉकलेट नहीं बताना इसको चॉकलेट है सर चॉकलेट टाइगर सर चॉकलेट टाइगर में बस ये डिफरेंस है कि इसको जब हीट करेंगे ब्लड टाइगर तो ये चॉकलेट टाइगर में कन्वर्ट हो जाता है मीडियम होते हैं जिसमें हम हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है उसको हम उसमें ग्रो करते हैं और फिर उसकी स्टडी करते हैं उसके हिसाब से जो एंटीबायोटिक्स वगैरह है। टाइप्स ऑफ कफ एंड ऑस्कल्टेटरी साउंड सरमद यहीं बैठ जी जी तो सर कफ जो होते हैं ना वो बॉडी के एक रिस्पॉन्स होता है कि इंसुलिन पैथोजन ताकि उसको अगर वो एयरवेज में है तो वो एक्सपेक्टोरेंट जिसका एक्सपेक्टोरेट कर देते ना उस तरह वो बॉडी से निकल जाए। तो अब कफ की मल्टीपल टाइप्स हैं उनमें से जो मेन क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से होती है, आइदर द कफ ड्राई कफ या फिर प्रोडक्टिव यानी कि वेट कफ। ड्राई कफ जो होती है ज़्यादातर जो जैसे अगर एयरवेज में डस्ट है या मतलब कोई ऐसा एरिया जो कि पोल्यूटेंट है या वो जो बॉडी है वो किसी एलर्जन से एलर्जिक है तो जब भी उसके साथ उसका मतलब आमना सामने से मतलब कॉन्टैक्ट जब भी होता है ठीक है तो तब उसके रिस्पॉन्स में कफ रिस्पॉन्स होते हैं कफ रिफ्लेक्स होता है वो जनरेट होता है। अब वो है ड्राई कफ। ड्राई कफ में सिंपल बॉडी की कोई सीक्रेशन उस कफ के साथ बाहर नहीं आ रही है। अब कफ को मोस्टली ये होता है कि कफ के साथ या तो म्यूकस आ जाता है मतलब उसमें भी टाइप्स हैं साथ या स्प्यूटम आ जाएगा अगर वो अंदर कोई ऐसी जिस तरह आपने बताया कंसोलिडेशन बन जाती हैं अगर वो एयरवेज में बन गई हैं तो वो कफ के साथ बाहर एक्सपेल हो जाती हैं तो वो कैटेगरी आती है इसमें वेट कफ या फिर प्रोडक्टिव कफ के अंदर। तो जब पेशेंट आता है पेशेंट से पूछते हैं कि व्हाट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर कफ मतलब कि बहुत ज़्यादा होती है या कम होती है उसके बाद ये होता है कि आपको जो कफ हो रही है ये एक सडन ऑनसेट था मतलब इकट्ठे अचानक शुरू हो गई है या कोई आहिस्ता आहिस्ता शुरू हुई है तो उसके बाद ये पूछते हैं कि या किसी टाइम में तो नहीं होता मतलब सुबह में ज़्यादा होती है रात में ज़्यादा होती है वो पूछते हैं मतलब कि आप कोई ऐसा मनोवर करते हैं जिससे वो आपकी कफ ख़त्म हो जाती है इस तरह। तो उसके अलावा जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ कॉमन टाइप्स हैं सब बच्चों में कोप्स कॉमन होती हैं जो ओल्ड एज पेशेंट होते हैं उनमें वूप होता है ताकि वो जो उनका अंदर म्यूकस मतलब इस तरह चेस्ट कंजेशन में नहीं होता उस तरह वो एक्सपेल करते हैं। तो ये मतलब काफ़ी एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स है एक्चुअली
उसके बाद ऑस्कुलेटरी साउंड्स हैं। अब जो मतलब लंग्स की कुछ नॉर्मल साउंड्स हैं जिनको ब्रीदिंग साउंड्स कहते हैं, कुछ हैं जो एब नॉर्मल साउंड्स हैं। ये ऑस्कुलेशन स्टेप्स सिर्फ सुनाई देती हैं। कुछ कंडीशन आती हैं ऐसी जिसमें बॉडी का जो जो या जो डिजीज़ की स्टेट जो होती है ना वो एडवांस हो जाती है, जिसमें कि वो नॉर्मल नेयर्स भी सुनाई देती है विदाउट स्ट्रेथ। लेकिन जो एबनॉर्मल साउंड है उसमें पल्मरी साउंड होती हैं और एक्स्ट्रा पल्मरी साउंड होती हैं। एक्स्ट्रा पल्मरी के अंदर प्लूरल ड्रम की साउंड होती है, वो स्टेथ पे इजीली चेस्ट वॉल पे अगर आप स्टेप रखें तो आ जाती है। तो जो पल्मरी साउंड है उसके अंदर मेन जो है वो चार हैं, वीज है, रोंका है और क्रैकल्स हैं, उनको डिवाइड कर सकते हैं फाइन और कोर्स क्रैकल्स में। जो वीज है वो ट्रेकिया के ऊपर जब स्ट्रेच रखते हैं तो वीज वहीं पर, यानी कि जो ये मेन रोंका है यहीं पर ही, मतलब जब ये डिवाइड कर रहे होते हैं तो उसी मतलब उससे पहले और उस पॉइंट के ऊपर जो आपको सुनाई देती है वो वीज और चेस्ट वॉल के ऊपर रोंका है और क्रैकल्स जो होते हैं सुनाई देते हैं। और जो हमारा केस है निमोनिया का, इसमें मेनली वीजेस और क्रैकल्स को सुनाई देते हैं। सर ये फिर 7 के 7 एलोज आज कवर्ड हो गए, फुली अंदर तक लीडरशिप किया गया।